हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्योति के व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई विश आप सब लोग भी अच्छे हो, स्वस्थ हो और एकदम मस्त हो। तो गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली मैंने और अजय ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग अपने घर पे ला रहे हैं गणेशा को। कल है गणेश चतुर्थी, तो हम लोगों ने कल ही रात को डिसाइड किया कि हम लोग अपने घर पे गणेशा लाएंगे। और आज फिर जब रात को फाइनल हो गया तो सुबह से उठते ही मैंने पूरे घर की सफाई कर डाली, बहुत सारे चेंजेस कर डाले। तो जो आपको आने वाली वीडियो में मिलेगा, आपको मैं बहुत सांस मेरा फूल रहा है क्योंकि मैं जस्ट अभी मार्केट से आई हूँ और मार्केट से आते आते मुझे 12:30 हो गए हैं रात के। और थैंक गॉड ये दिल्ली है, यहाँ पे मार्केट खुली होती है तो मुझे काफी सारा सामान मिल गया, अदरवाइज तो कैसे होता। तो ठीक है, देख के आइए आप। मैं गणेश जी के लिए क्या क्या लेके आई थी, मतलब कैसे शॉपिंग करके आई थी, वो आप लोग देखिए। तब तक मैं थोड़ा डेकोरेशन का आइडिया सोच लेती हूँ। और छोटी नहीं है, पतली? इससे पतली कितने की है? चलो ये तो इसका लगा दो भैया, वो नहीं है आपके पास? देखो ऐसे वाली मुकुट नहीं है। तो गाइस, फाइनली मुझे रात को 11:42 हो गए थे और ये एक शॉप खुली मिली। ये थी सुभाष नगर गोल चक्कर पे और थैंक गॉड मुझे मिल गई, तो मैंने अपना सारा जरूरत का सामान ले लिया। गणपति बाप्पा और फाइनली गाइस गणपति बप्पा हमारे घर आ गए हैं। वेलकम होम गणपति बप्पा। देखा आप लोगों ने मैंने कैसे एक दो दुकान ही जो खुली थी वहां से सामान ले लिया, और जहां से मैंने गणेश जी के आइडल लिए हैं, मूर्ति लिए हैं, वहां मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि फोन मेरा रह गया था गाड़ी में, तो मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाई तो इसलिए। और जो जो मैंने पूजा का सामान लिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, अभी मेरे पास बहुत लिमिटेड सामान है जिससे हम करेंगे डेकोरेशन, और कैसे करेंगे आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। तो गाइस, मैंने ये साड़ी को लेके और 4 तह लगा के और यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन्स लगा दिए, देखिए आपको दिख रहा होगा, जिससे कि ये खुलेगी नहीं। तो ये हम लोग बिछा देंगे आसन पे। फाइनली गाइज हो गई है डेकोरेशन डन, और आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था। तो गाइज, मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना मंदिर भी बाहर ले आई हूँ। मंदिर पहले अंदर रूम में था, लेकिन मुझे लगा जब गणेशा की पूजा करेंगे तो अपना मंदिर भी मैं बाहर ही ले आई हूँ। और मैं इन फ्यूचर के लिए सोच रही हूँ कि अपना मंदिर का सेटअप मैं हॉल में ही करूंगी, बाकी वो देखते हैं। लेकिन ये सेटअप मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, आप भी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। और बस चलो, मैं लेके आ गई थी अपने गणेशा जी। तो यहाँ है मेरे गणेशा जी और ये है मेरी कुछ सामग्री जो सामान कल लगने वाला है पूजा में। तो चलिए मैं आपको फटाफट से ये दिखा देती हूँ। तो गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या खरीद के आई हूँ। मैंने मेन बेसिक चीजें जो पूजा के लिए चाहिए वो ही सब खरीदा है।
जैसे कि ये देखिए, हमें लगेगा नारियल, और इसमें है आखे मतलब साबुत चावल, अक्षत जिसे कहते हैं, एक सूखा नारियल, इसको हम काट लेंगे, और चाहिए हमें गुड़ और दो सुपारी जो हम रिद्धि सिद्धि जी बनाएंगे, और ये है गंगा जल, और ये है गाइस इत्र मतलब भगवान को लगाने के लिए, और ये चंदन और तिलक, और ये चुनरी है जो हम नारियल को लपेटेंगे। तो गाइस ये है पूरी सामग्री जो हमें टोटल चाहिए, और इसमें मुझे जनेऊ और आपकी हल्दी जो होती है वो मेरी गाड़ी में बैग रह गया है, तो वो मैं सुबह निकाल के लाऊंगी। तो ये है पूजा के लिए सामान, और ये लिए हैं मैंने दो बर्तन जोत के लिए पीतल का, और एक प्लेट ली है। अब देखते हैं इसमें ड्राई फ्रूट रखूंगी या फल रखूंगी, तो आपको कल दिखाएंगे जो भी रखेंगे। और ये मूली का पैकेट, और गाइस ये है पांच तरह का मेवा जो काजू बादाम किशमिश और छुआरा होता है वो है, और ये लिए हैं मैंने मोदक जो कि मैं सुबह बना नहीं पाऊंगी तो इसलिए मैं अभी मार्केट से ले आई हूँ। और मैंने लिया है गाइस ये गणपति जी की चुनरी, इसको वो पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं है, तो ये उनके ऐसे हाथों में देंगे, और छोटे गणपति जी जो मैं अपने मंदिर वाले गणपति जी को भी बिठाऊंगी तो वो उनके लिए ये है, ये मुझे बहुत सुंदर लगी। और फिर साथ में मैंने इन लोगों के लिए लिए हैं दो हार, एक जैसे देखिए सेम हार लिए हैं, बड़े गणपति जी के लिए भी और छोटे गणपति जी के लिए भी। और ये है गाइस आसन जो हम टेबल के ऊपर चौकी रखेंगे उसके ऊपर ये है आसन, बस दैट्स इट। मैंने यही पूजा का सामान लिया है और कुछ ज़्यादा नहीं लगता इसमें, और बाकी आपकी श्रद्धा है, आप जो लेना चाहें जैसा लेना चाहें, तो मुझे तो कुछ पता नहीं है ज़्यादा, मैं पहली बार ये व्रत कर रही हूँ, सॉरी पहली बार गणेश जी को स्थापना कर रही हूँ घर में। तो गाइज जो होगा जैसे होगा, भूल चुक माफ़ करे भगवान हमारी, और मैं बहुत मन से कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, अब सब ठीक हुआ है तो लग रहा है कि नहीं गणेश जी को अपने घर बिठाते हैं और उनका जो भी हो पाएगा सम्मान करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, और जो भूल चुक होगी वो माफ़ करेंगे। और गाइज अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कल सुबह विधि विधान से जो भी मुझे जितना भी आता है पूजा करनी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और देखिए मैंने थोड़ा सा लाइटिंग भी लगा दिया है, कैसा लग रहा है? तो गाइस ये है मेरे मंदिर की डेकोरेशन। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, कल ही के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।